यादव से मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव सीएम अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं। शिवपाल से मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं अब अखिलेश यादव। शिवपाल यादव अब मंत्री नहीं रहे हैं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल हम मिलेंगे, कल से मिलेंगे। Listen to and observe amid this entire pandemonium where Mulayam Singh was everything. सबसे तेज सिर्फ समाचार प्लस खबर वही जो हमने कही। सबकी नजरें कालिदास मार्ग की ओर टिकी थी। सोचकर दिमाग का आयतन बढ़ता ही जा रहा था। बंद कमरे में चाचा भतीजे थे। लकीर लंबी होगी या मिट जाएगी, सवाल सबके मन में था। ये चाचा भतीजे की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली मुलाकात थी। 20 मिनट बाद शिवपाल सीएम अखिलेश की आवाज से रवाना हो गए। न कुछ बोला न कुछ आया, सब अपनी तरह से आकलन करने लगे। ये वक्त था 15 सितंबर रात 8 बजे से पहले का। अभी पिता पुत्र की मुलाकात बाकी थी, नेताजी और सीएम अखिलेश का आमना सामना होना बाकी था। इस पूरी पिक्चर में अखिलेश और मुलायम एक फ्रेम में नहीं दिखे। रात के 10 बजते सीएम अखिलेश नेताजी से मिलने पहुंच गए। मुलाकातों का दौर चल रहा था लेकिन धमाका अभी होना था। बमुश्किल आधा घंटा बीता होगा, शिवपाल यादव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जिसने भी सुना सन्न रह गया। यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं का कोलाहल गम और गुस्से में बदल चुका था। खबर ये थी कि शिवपाल यादव मंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके थे। समर्थकों का हुजूम शिवपाल के घर की ओर उमड़ने लगा। कहीं आंसू थे तो कहीं आक्रोश। किसके अंदर है कितना दम, उनके बिना संगठन नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, ये जनता अच्छी तरह जानती है, बच्चा जानता है। स्नेह और सद्भावना मिला हुआ शोर बढ़ता जा रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी। जहां मुलायम की आवाज पर सन्नाटा पसरा था, वहीं शिवपाल के घर पर कार्यकर्ताओं का कारवां बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार शिवपाल बाहर आए, दोनों हाथ फैलाए सबको शांत करने लगे। कार्यकर्ताओं का जोश और रोष बढ़ता ही जा रहा था। और फिर शिवपाल बोले, कार्यकर्ता जाए सबसे मिलेंगे, के साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ हैं, खड़े हैं, चिंता मत करो। सभी कार्यकर्ता जाए सबसे मिलेंगे, के साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ हैं, खड़े हैं, चिंता मत करो। लेकिन कार्यकर्ता पूरी कमर कसकर आए थे, डटकर बैठ गए, जम गए जमीन पर। शिवपाल सोने की बात बोलकर अंदर चले गए, लेकिन सच में तो सपा और सपाइयों के लिए ये जगराता था। हम लोग यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में ले लिया जाता है। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जी ने पार्टी के हित में, नेताजी के सम्मान में सब काम करते हैं, और जो भी कुछ किया है पार्टी के हित में किया है। और हम लोग नेताजी शिवपाल जी पूरी पार्टी के साथ है और उनके साथ सामने। सुबह हो गई लेकिन सुलह अभी भी बाकी थी। कार्यकर्ता अभी भी किवाड़ खुलने का इंतजार कर रहे थे। फिर नारेबाजी होने लगी। इस बार शिवपाल के समर्थन के साथ निशाने पर रामगोपाल भी आ गए। शिवपाल सबको समझाने लगे और आह्वान करते हुए बोले, सब कुछ नेताजी के सामने बोलना, हम सब पार्टी कार्यालय चले। हर परिस्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है और
और आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाए, पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे, नेताजी से सब लोग नेताजी के साथ हैं। नहीं होने देंगे, हमारे लिए आदेश है और सभी समान तरीके से अपनी पार्टी में मजबूत करना है। पार्टी कार्यालय पे जाइए और नेताजी के साथ हैं और नेताजी के सामने अपनी बात को रखें। सरकार और परिवार के महाभारत के नतीजे के लिए सब नेताजी की ओर ताक रहे थे। पार्टी कार्यालय पर नेता और कार्यकर्ता जुटने लगे और दोपहर 12 बजे बाद मुलायम सिंह ने कार्यालय पहुंचकर माइक संभाल लिया। नेताजी की बात को दोनों ही लोग पत्थर की लकीर कहते हुए आ रहे हैं। फैसले को मानने का सब दावा और वादा कर रहे हैं, लेकिन मन में किसके क्या है ये सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। नेताजी के कुछ देर बाद शिवपाल भी सामने आए और इशारों में आगे का कह गए। अभी बाकी है मेरे दो रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। जो टिकट मांगने की इच्छा रखते हैं वो अब अलग अलग बैठ के भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है। ये कोई ऐसे कमजोर लोग नहीं है, ये मजबूत लोग हैं। इन लोगों का प्रभाव है और चुनाव में इसका हमको लाभ होगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे रायपुर धर्मपुर, यहाँ पे आपकी सक्रियता से कईयों के रक्तचाप भी बढ़ते रहते हैं। जैसा पार्टी कहेगी, जैसा पार्टी का आदेश होगा वो किया जाएगा। आप लोग आश्वस्त हैं कि इस बार आप लोग इन तमाम मुद्दों को ओवरकम कर जाएंगे? अब हरीश रावत जी की ये कहानी नहीं, लोरी नहीं चल पाएगी। उत्तराखंड की जनता को अब विकास चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी के साथ खास बातचीत, देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Are you looking to buy or sell a home? Pass Infra presents upcoming project in Moradabad. For queries, contact on. सच की डोर जो थामे रहता है, बात वो सिर्फ हक की ही करता है। शख्सियत में उसकी बेबाकी है, नहीं किसी खबर से वो अनजान, निडरता उसकी पहचान। देने वाली खौफनाक सच्चाइयां, रूह कांप उठेगी देखकर दहशत की निशानियां, जब खुलेंगे राज अंधेरों के, चेहरों पर दिखेंगी सिर्फ हैरानियां। अंधेरों में छुपी खौफनाक हकीकत जानने के लिए द
देखिए अंधेरा द डार्क साइड सिर्फ समाचार प्लस पर। हर ग्रह का कुंडली पर प्रभाव आपकी जिंदगी में लाता है बदलाव। ग्रहों की चाल से बदलते हालात आपको मिल रही कदम कदम पर मात। कैसे बनेगी बिगड़ी हुई बात जानने के लिए देखिए प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित डॉक्टर दिवाकर शर्मा के साथ ग्रहों का किस्मत कनेक्शन सिर्फ समाचार प्लस पर। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में सिर्फ समाचार प्लस पर। गलियों मोहल्लों चौपालों से सियासी खुमार की अक्कड़ बक्कड़ नहीं छोड़ेंगे एक भी नुक्कड़। नेताजी की क्या है तैयारी, चुनेगी जनता किसे इस बारी। अभी सियासी संकट नहीं टला है, यादव के समर्थक पहुंचे हैं और समर्थकों को बुलवाया है। जिस तरह से उनका बयान आया था कि जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनकी आवाज को उठाया जाएगा। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव के समर्थक भी अब पहुंच चुके हैं, तो कह सकते हैं कि अब समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो जहां शिवपाल यादव के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव के समर्थक भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो फ्रंटल संगठन है समाजवादी पार्टी के, उनके कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे आखिर क्या हुआ है। आप लोग अचानक यहां पहुंच गए हैं, कल भी इस तरह की नारेबाजी हो गई थी। देखिए नेता कैसा हो, यादव जैसा हो, यहां जो भी नौजवान खड़ा है उसने विपक्ष में लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, मुकदमे जेल हैं, तकलीफें सही हैं। और 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी के अखिलेश यादव जी के चेहरे पर सरकार बनी है। और जो लोग समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम नौजवानों ने अभियान अब छेड़ रखा है। हमारी समाजवादी पार्टी को लोग तोड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के सपनों, नेताजी के सपनों को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब तो नेताजी ने कह दिया बात खत्म हो गई है, अब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए दो बातें हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी थे, हैं और रहेंगे। और देश अध्यक्ष का पद चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो ये बाहरी लोग घुसे हुए हैं इन्हें लात मार के बाहर निकाला जाए। कौन बाहरी है? कौन जो भी बाहरी लोग हो, सब लोग आप लोग जानते हैं जो बाहरी है, जो हमारी पार्टी को, हमारे सपने को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम नौजवानों की शहादतों पर थूकने का काम कर रहे हैं, जो देसी गाड़ियों में घूमते हैं, ये नौजवान जो लाठी खाता है, डंडे खाता है, जिसके ऊपर पीठों पर निशान पड़े हुए हैं, उस पार्टी के लोगों को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जूता मारने का काम समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने उठाया। दलाल पार्टी में दलाल दलाल 100 रुपया पे लोग आके हजार 100 समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो माहौल है, भावुकता का भी है और लोगों का गुस्सा, जो फ्रंटल संगठन है उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप लगातार भारी तादाद में जो युवा कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद हैं और खुलकर ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह का माहौल बनाया गया है उसके पीछे कुछ बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। और यहाँ तक कहने में गुरेज नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी से जब तक बाहर निकाला जाएगा यहीं पर मौजूद रहेंगे। देखना होगा ये भूचाल जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि कल शांत हो गया है सपा सुप्रीमो के मीडिया से मुखातिब होने के बाद, क्या फिर नया रूप लेगा। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस।
समाजवादी पार्टी में छिड़ा घमासान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर आज पांचवें दिन हम खड़े हुए हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर। यहाँ पे किस तरह उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है और कार्यकर्ताओं में रोष है कहीं ना कहीं कि शिवपाल यादव के सारे पद वापस किए जाएं। एक बार हम बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे इकट्ठा हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं?